मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूं कि इसका फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है, तो इस पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए उसे जरूर सुनिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। मूवी का स्टार्ट मीका के ख्वाब से होता है, जहाँ वो देखती है कि विंड स्टॉर्म उसकी तरफ आ रहा है, पर एकदम किसी से डर के दूसरी तरफ भागने लगा। उसे इस अजीब से ड्रीम से उसकी फ्रेंड फैन उठाती है, जो इस बार मीका के साथ पेरिस में समर वेकेशन मनाने का सोच रही है। मीका विंडस्टॉर्म के लिए परेशान सबसे छुपते हुए विलेज के लिए निकल जाती है। मीका के विलेज पहुंचते ही विंडस्टॉर्म को उसके आसपास होने का एहसास हो जाता है, पर मीका के उसके पास जाने पर वो वैसे खुश नहीं होता जैसे उसे मीका को देख के होना चाहिए था। फिर मीका उसकी बॉडी पे जख्म और खून देखती है, जिस वजह से परेशान हुए वो सैम के ग्रैंडपा के पास पहुँचती है। मीका कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा विंडस्टॉर्म का ध्यान कहाँ है, जिस पर वो उसे समझाते हैं कि वो विंडस्टॉर्म को स्पेस दे, ये हर रिश्ते के लिए जरूरी है, फिर वो इंसानों के साथ हो या जानवरों के साथ। मीका जब अपनी ग्रैंडमा मारिया के स्टेबल पहुँचती है तो वहाँ उसे सब बहुत खाली खाली लगता है, जिस पर उसे सैम से पता चलता है कि बहुत से स्टूडेंट्स मिशेल के साथ दूसरे कोचिंग सेंटर चले गए, जहाँ के तरीके यहाँ से एडवांस हैं। और फिर जब मारिया जो एनुअल कंपटीशन रखती है इस साल, वो भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से बाकी बच्चे भी वहाँ चले गए। मीका जब मारिया के साथ यहाँ के हालात पे बात करती है तो मारिया बहुत गुस्सा हो जाती है और मीका को चुप रहने को कहती है। तभी माहौल बेहतर करने के लिए उनकी शेफ मीका को बताती है कि लोगों ने जंगल में यूनिकॉर्न देखा है, पर अब ये सच है कि कहानी कोई नहीं जानता। मीका जब विंडस्टॉर्म के साथ घूम रही होती है तो एकदम वो जंगल की तरफ भागना शुरू हो जाता है। मीका उसका पीछा करती उसे रोकने की कोशिश करती है, पर ना तो विंडस्टॉर्म मीका की परवाह करता है और ना ही कांटों से होते जख्मों का। फिर एकदम वो एक खूबसूरत से व्हाइट हॉर्स के पास पहुंचता है, वो हॉर्स जिसे सब यूनिकॉर्न समझ रहे थे। वो और विंडस्टॉर्म जंगल के बीचों बीच ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और अटैच्ड भी हैं। पर मीका के झाड़ियों से निकलते ही वो हॉर्स डर के भाग जाता है। वापस जाके मीका इस बारे में सैम को बताती है, पर वो उसका यकीन ही नहीं करता। उसका कहना था कि यहाँ कोई वाइल्ड हॉर्स नहीं है। फिर वो मीका के साथ मिलके एक चोर के लिए ट्रैप सेट करता है, जो बहुत टाइम से स्टेबल से चीजें चोरी कर रहा है। रूफ टॉप पे जाके सैम मीका को दिखाता है कि यहाँ से उस जगह का हर कोना नजर आता है, यहाँ छुपके वो उसे पकड़ेगा। तभी वहाँ से ये दोनों सुनते हैं कि बैंक ने मारिया को लोन देने से इनकार कर दिया है और उसके पास ये जगह खाली करने के लिए 2 हफ्ते हैं। सैम इस सब के लिए मीका को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि वो और विंडस्टॉर्म सिर्फ मस्ती करते हैं, किसी शो में पार्टिसिपेट करके मारिया के ट्रेनिंग सेंटर का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं। मीका सैम की बातों से डिसहार्ट हुई वहाँ से निकल जाती है। जंगल में वो और विंडस्टॉर्म किसी लड़के को उस व्हाइट हॉर्स को पकड़ने की कोशिश करते देखते हैं, जिस पर मीका उस लड़के को डिस्ट्रैक्ट करते व्हाइट हॉर्स को भगा देती है। उसकी इस हरकत की वजह से वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर मीका के वापस आने पर उसे और सैम को लगता है कि चोर आ गया है। दोनों उसे पकड़ने लगते हैं, तो वो चोर नहीं बल्कि फैनी होती है, जो मीका के उसे ऐसे अकेले छोड़ आने पर खुद भी यहाँ आ जाती है। अब ये तीनों मिलके रात रूफ टॉप पे निकालते हैं, पर कोई चोर नहीं आता। अगले दिन उनके उठने से पहले मीका वहाँ से निकल के विंडस्टॉर्म के साथ व्हाइट हॉर्स को मिलने चली जाती है। फिर वापस आके इस बार वो ये सब सैम के ग्रैंडपा को बताती है, जो हमेशा की तरह उसका यकीन कर लेते हैं। मारिया सैम के ग्रैंडपा को बताती है कि अब वो दूसरा ट्रेनिंग सेंटर सबसे अच्छे ट्रेनर हैंस को हायर कर रहा है, जो मारिया का बेस्ट स्टूडेंट है। मजीद ये कि बैंक ने लोन देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें ये सेंटर खाली करना पड़ेगा और इसमें सैम के ग्रैंडपा का एरिया भी आता है। ये सुन के सैम के ग्रैंडपा का दिल टूट जाता है कि जहाँ उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी वो जगह उनसे छिन जाएगी, और ये बात उन्हें इतनी लेट पता चल रही है। वो इसी दुख को दिल में लिए घर पहुंचते हैं, जहां उनकी तबीयत खराब हो जाती है, पर मीका वही थी इसीलिए फौरन डॉक्टर को बुला लेती है। सैम के ग्रैंडपा किसी से भी बात किए बगैर घर में चले जाते हैं। मीका से सब की परेशानी देखी नहीं जाती। तभी फैनी उसे उस दूसरे ट्रेनिंग सेंटर के कॉम्पिटिशन का बताती है, जिसे जीतने पर अच्छी प्राइज मनी मिलेगी और मारिया के सब मसले हल हो जाएंगे। ये जान के मीका फौरन विंडस्टॉर्म और फैनी के साथ
साथ वहाँ अपना नाम लिखवाने चली जाती है। दोनों वहाँ देखती हैं कि उधर हॉर्सेस के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, जो देख मीका को बहुत बुरा लगता है। मीका इस कॉम्पिटिशन के बारे में सैम को बताती है, जो ज्यादा खुश नजर नहीं आता क्योंकि वो जानता है इस बार उसके ग्रैंडपा हेल्प नहीं करेंगे और मीका अकेले कुछ नहीं कर सकती। रात मीका चोर को पकड़ने के लिए ड्यूटी दे रही होती है, तभी चोर वहाँ आ जाता है। मीका उसके पीछे जंगल तक भागती है और आखिर उसे पकड़ लेती है। उसे पता चलता है कि वो चोर और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जो उस दिन व्हाइट हॉर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मीका को पता चलता है कि वो स्पॉट हॉर्सेस के साथ काम कर चुका है, इसीलिए वो उसके आगे ऑफर रखती है कि अगर वो उसे और विंडस्टॉर्म को कॉम्पिटिशन के लिए ट्रेन करेगा तो मीका उसे व्हाइट हॉर्स को पकड़ने में मदद करेगी। उस लड़के को व्हाइट हॉर्स को हर हाल में पकड़ के उसके मालिक को वापस करना है, वरना वो बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। अब दोनों के पास ही कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए दोनों ही इस डील पे मान जाते हैं। मीका उस लड़के की सुनते हुए विंडस्टॉर्म की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। उसी दौरान में वो एक आदमी से मिलती है जो व्हाइट हॉर्स के पीछे है। वो मीका को बताता है कि व्हाइट हॉर्स बहुत खतरनाक है, इसीलिए अगर उसे उस हॉर्स का पता चले तो इस आदमी को जरूर बताए। उसके पास गन देख मीका कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो समझ गई थी कि व्हाइट हॉर्स खतरे में है। उस लड़के से मिलके मीका उसे प्रूव कर देती है कि व्हाइट हॉर्स उससे डर रहा है और कुछ नहीं, और जब तक वो उसे ऐसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता रहेगा हॉर्स उससे ऐसे ही दूर भागेगा। मीका के प्यार और अपनायत की वजह से वो हॉर्स आराम से उसके पास चला जाता है, पर उस लड़के के पास जाते ही वो डर के भाग जाता है। यहाँ फैनी सैम के ग्रैंडपा को मीका की हेल्प करने के लिए मना लेती है। वहाँ मीका और विंडस्टॉर्म को वो लड़का ट्रेन करना भी शुरू हो जाता है। अब सुबह में मीका सैम के ग्रैंडपा के साथ और शाम में उस लड़के के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में विंडस्टॉर्म वापस कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान मीका और वो लड़का, जो फाइनली उसे अपना नाम मिलान बता देता है, बहुत क्लोज आ जाते हैं। उनके हॉर्सेस तो एक दूसरे को पसंद करते ही थे, अब वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ गुजारते थे। मीका को कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करने के बाद मिलान उस हॉर्स का दिल जीतने में कामयाब होते हुए उसे वापस उसके ओनर के पास छोड़ने जाता है, जो और कोई नहीं वही मारिया के दुश्मन और लास्ट पार्ट में विंडस्टॉर्म को बाई करने की कोशिश करने वाले लोग थे, जो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। मिलान मीका की वजह से अब हॉर्सेस को समझने लगा था, इसीलिए स्टेबल तक ले जाने के बाद भी व्हाइट हॉर्स को उन लोगों के हवाले करने के बजाय भगा ले जाता है। कॉम्पिटिशन के पहले राउंड का दिन आ जाता है, जहाँ मारिया हैंस से मिलती है और उसे अपने सेंटर में कोच बनने के लिए मनाने की कोशिश करती है, पर हैंस इस बात को शो के बाद करने को कहता है। मारिया को VIP गेस्ट बनाते अपने साथ ले जाता है। वहीं उस ट्रेनिंग सेंटर का मालिक मिलान को वहां देख लेता है और उसे पकड़ते हुए व्हाइट हॉर्स उसके हवाले करने को कहता है, पर मिलान उसे साफ इनकार करके पुश करते वहां से निकल जाता है, जिस पर गुस्सा होते हुए वो आदमी पुलिस को कॉल कर देता है। कॉम्पिटिशन में मीका की परफॉर्मेंस का वक्त आ जाता है और जैसा कि हम सब जानते हैं, वो और विंडस्टॉर्म एक कमाल परफॉर्मेंस देते हुए सबको हैरान कर देते हैं और इस राउंड को बगैर किसी मुश्किल के जीत जाते हैं। मारिया, जो इस बार भी नहीं जानती थी कि मीका कॉम्पिटिशन का पार्ट है, उसे ऐसे परफॉर्म करते देख उसका दिल खुशी से भर जाता है। उस राउंड के बाद हैंस भी स्पेशली आके मीका की तारीफ करता है, जिस पर मारिया को यकीन हो जाता है कि वो अब उसके ट्रेनिंग सेंटर में जॉब करने से इनकार नहीं करेगा। इस जीत की खुशी मनाने के लिए मीका अपनी फैमिली के साथ पार्टी करती है, सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मीका सैम और फैनी को करीब आते देखती है, जैसे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हों। फिर सबको बिजी देख वो मौका पाते ही वहाँ से निकल के विंडस्टॉर्म के साथ मिलान और व्हाइट हॉर्स के वहाँ होने की उम्मीद से जंगल चली जाती है। यहाँ उस दूसरे ट्रेनिंग सेंटर के लोग मारिया को वार्न करते हैं कि रात अपने किसी राइडर और हॉर्स को बाहर ना निकलने दे, क्योंकि वो लोग एक जंगली हॉर्स को हंट करने जा रहे हैं और किसी भी नुकसान के जिम्मेदार नहीं होंगे। मीका को मिलान जंगल में मिल जाता है और उसे वहाँ देख वो बहुत खुश होती है। मिलान का व्हाइट हॉर्स को किसी के भी हवाले ना करने का फैसला मीका को बहुत खुश कर देता है। इससे पहले वो दोनों मजीद बात कर पाते, व्हाइट हॉर्स को पकड़ने लोग पहुँच जाते हैं। मीका को जब पता चलता है कि ये वही है जो विंडस्टॉर्म के भी पीछे थे, वो बहुत परेशान हो जाती है।
है। अब मीका और मिलान अपने हॉर्सेस को लिए उनसे बचने के लिए भागते हैं। थोड़ा आगे जाते ही वो दोनों अलग हो जाते हैं और मीका को शूट की आवाज आती है, जिससे परेशान होकर विंस्टॉर्म तेजी से भागता है और मीका का सर ट्री से लगने की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाती है। अगली सुबह कॉम्पिटिशन का राउंड 2 होता है, पर किसी को भी मीका की कोई खबर नहीं थी। फिर उसके वही रेस वाली जगह पे होने की उम्मीद के साथ सब मीका के पेरेंट्स के साथ वहाँ के लिए निकल जाते हैं। यहाँ मीका होश में आके बुरी हालत में होने के बाद भी बिल्कुल अपनी बारी से पहले वहाँ पहुँच जाती है। उसकी हालत खराब होने की वजह से वो सारा होल विंस्टॉर्म के हाथ में दे देती है, जो अकेले ही बहुत कमाल रेस करते हुए मीका को मायूस नहीं होने देता। रेस खत्म होने के बाद मीका बस आखिरी बार मिलान को पुलिस के साथ जाते और व्हाइट हॉर्स को ट्रक में बंद होते देखती है और बेहोश होके गिर जाती है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि एक जंप मिस करने की वजह से वो लोग कॉम्पिटिशन हार गए हैं। मीका को ये जान के बहुत दुख होता है कि वो मारिया के लिए कुछ नहीं कर पाई। यहाँ मारिया भी अब सब उम्मीदें छोड़ चुकी थी। मिलान पुलिस स्टेशन से भाग के सीधा मीका के पास पहुँचता है, जिसे अपनी जैकेट पहने देख सैम समझ जाता है कि वही चोर है और उससे लड़ने लगता है। मीका के पास उन्हें रोकने का टाइम नहीं था, इसीलिए वो अकेले ही व्हाइट हॉर्स को बचाने निकल जाती है और फैनी पीछे से इनकी लड़ाई रुकवाते हुए मीका के पेरेंट्स की कार में उसके पीछे निकलती है। मीका स्टेबल पहुँच के गेट लॉक होने की वजह से विंस्टॉर्म को बाहर ही छोड़ते हुए अंदर स्टेबल में जाके सब हॉर्सेस को आजाद कर देती है, पर वो सब इतने डरे होते हैं कि दरवाजा खुला होने के बाद भी नहीं भागते। ये देख मीका विंस्टॉर्म को आवाज लगाती है, जो मीका की आवाज सुनते ही बोल पड़ता है और उसकी आवाज सुन व्हाइट हॉर्स बाहर की तरफ भागता है, जिसके पीछे बाकी हॉर्सेस भी निकल जाते हैं। सैम, मिलान और फैनी वहां पहुंचकर कार की मदद से गेट तोड़ते हुए सब हॉर्सेस को आजाद कर देते हैं। लेकिन मसला यहां खत्म नहीं होता, तब तक पुलिस वहां पहुंच जाती है। मिलान मीका को वहां से जाने का बोल के इस मसले को खुद हल करने का कहता है। सब हॉर्सेस आजाद होके विलेज में खुले आम फिरने लगते हैं। यहाँ हैंस बैंक के लोगों के साथ मारिया के पास पहुँचता है, जिस पर मारिया को लगता है कि वो यहाँ का कोच बन के ट्रेनिंग सेंटर को बचाने आया है, पर उसे पता चलता है असल में तो हैंस विंस्टॉर्म को बाय करना चाहता है। मारिया के पास कोई रास्ता ना होने पर वो पेपर साइन कर देती है। घर पहुँच के जब मीका को ये पता चलता है तो वो मारिया पे बहुत गुस्सा होने लगती है, जिस पर मारिया उसे काम डाउन करते हुए रिवील करती है कि उसने पेपर साइन नहीं किए हैं, बल्कि उसकी जगह अपने पहले हॉर्स का नाम लिख के उन्हें पागल बना दिया है। वो जानती है कि विंस्टॉर्म मीका के लिए क्या अहमियत रखता है, इसीलिए वो उसे मीका से कभी दूर नहीं करेगी, बेशक उसे ये जगह छोड़नी ही क्यों ना पड़ जाए। तभी उस टेबल से आजाद हुए सारे हॉर्सेस यहाँ आ जाते हैं और पीछे पुलिस भी, जो मारिया को बताती है कि दूसरे ट्रेनिंग सेंटर को एनिमल्स के साथ बुरा सलूक करने की वजह से बंद कर दिया गया है और गवर्नमेंट ने इन सारे हॉर्सेस की जिम्मेदारी मारिया को दी है, यहाँ तक कि इनका खर्चा भी गवर्नमेंट खुद उठाएगी। ये जान के मारिया हद से ज्यादा खुश हो जाती है और इस तरह उसका सेंटर भी बच जाता है। मारिया ये खुशखबरी जाके सैम के ग्रैंडपा को सुनाती है, जो बताते हैं कि मिलान उसका पीछे वेट कर रहा है। मिलान उसे बताता है कि फाइनली पुलिस ने उसका यकीन करके उस ट्रेनिंग सेंटर को बंद कर दिया और अब सब ठीक हो गया है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते किस करते हैं। फिर मीका मिलान को उसके ग्रैंडमा के सेंटर में जॉब करने को कहती है, जो वो मान जाता है। सब मिलके एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ लंच करते हैं और लास्ट में हम मीका और मिलान को अपने हॉर्सेस के साथ आजादी से भागते देखते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।